हेलो दोस्तों, मैं रमन फिर आ गया एक और धमाके के साथ। आज हमारे साथ है एक मल्टी बैगर जायंट केमिकल कंपनी दोस्तों, और अगर हम बात करें इसकी तो यह है दीपक नाइट्रेट। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट करें हम लोग इसके चार्ट्स, टेक्निकल चार्ट्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं दोस्तों। इसमें हमें फ्राइडे को सबसे पहले अगर देखें तो बहुत बढ़िया तेजी मिली, 1.5% की तेजी का एक वीक मार्केट में बढ़िया एक रोल था, जिसमें हम लोग बोले थे कि 2200 के ऊपर बंद होते हुए दिख रहा है हम लोगों। 2200 के ऊपर फ्राइडे जैसी मार्केट में हमें ये 2200 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देखे गया है दीपक नाइट्रेट। सेकेंडली अगर हम लोग दोस्तों बात करें तो हम लोगों को समझनी पड़ेगी इसकी शॉर्ट रन ट्रेंड लाइन देखना बहुत जरूरी है दोस्तों, अगर हम इसके टेक्निकल चार्ट में और अच्छा कुछ देखना चाहते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें, दिस पॉइंट इसने हमें एक ब्रेकआउट दिया, और इस ब्रेकआउट के बाद दोस्तों हमारे पास कंफर्मेशन भी है। बढ़िया बात यह है कि कंफर्मेशन भी हम लोग के पास अवेलेबल है। दिस इज द कंफर्मेशन वी हैव एट 2200। तो अब इसके बाद हमारा क्या रोल होना चाहिए, यहां से अगर हम लोग चाहें तो इसको 2300 पे देखने के चांसेस बहुत ज्यादा बना सकते हैं। तो बढ़िया एक 100 पॉइंट्स का मूव हम लोग इस पूरे एरिया में वर्कआउट कर सकते हैं दोस्तों। 2205 पे शेयर है, 2300 पे आने के चांसेस बहुत बढ़िया है। बट इसके साथ साथ अगर आप लोग चाहें तो बहुत बढ़िया एक चीज और महसूस कर सकते हैं दोस्तों, कि ये मूव एक इम्पल्सिव मूव रहा। मैं किस मूव की बात कर रहा हूं, मैं आपसे दोस्तों इस मूव की बात कर रहा हूं, वन डे कैंडल चार्ट। पिछले 5 दिन की वन डे की कैंडल चार्ट्स देखें तो देयर इज नॉट अ सिंगल रेड कैंडल वी हैव, एक भी रेड कैंडल, मतलब कहीं भी रेजिस्टेंस नहीं हुआ, कहीं भी प्रॉफिट बुकिंग्स नहीं हुई, हमारे पास एक भी रेड कैंडल्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो दिस कैन बी कंसिडर एज एन इम्पल्सिव, इम्पल्सिव मतलब आपका एकदम से लिया हुआ कोई मूव। तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में हमें ये एक इम्पल्सिव मूव देखने को मिल रहा है। बट मूव होना कैसा चाहिए दोस्तों, मूव होना चाहिए कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, दैट इज स्ट्रेंथ वाला। इस मूव को कहते हैं स्ट्रेंथ वाला मूव। बट यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल क्या, यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है एक इम्पल्सिव मूव। तो इस इम्पल्सिव मूव से क्या चांसेस हैं आगे होने के, अगर दोस्तों हम लोग बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ पे अब दोस्तों 2300 वाले पॉइंट पे बहुत सारी प्रॉफिट बुकिंग्स आने की चीजें अवेलेबल है। तो 2300 पे शेयर को एक्यूमुलेट करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है आप लोगों के लिए। कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, तो स्टैगर्ड मैनर में तो लॉन्ग रन के लिए कहीं भी आप चीजों को ऐड कर सकते हैं। इस कंपनी के बारे में अगर मैं बात करूं, लॉन्ग रन पहली चीज, दूसरा स्टेगर्ड, स्टेगर्ड मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिप की तरह अगर आप यहां से एक्यूमुलेट करते हैं कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी हम लोग शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, हम लोग ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, तो 2300 के चार्ट पे आपको बहुत जरूरी इसकी रीटेस्टिंग देखना जरूरी है दोस्तों। यहाँ पे अगर ये रीटेस्टिंग करता है और ऊपर रहने की कोशिश करता है तब तो ठीक है, बट चांसेस मेरे मेरा मानना ये है, मेरी स्टडी ये कहती है यहां से ये एक बढ़िया डीप फॉल भी दिखाने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन अपनी स्ट्रॉन्ग रख के चलनी है। अगर आप लोग इसके बाद रिटर्न्स देखना चाहते हो 2300 के बाद रिटर्न्स, तो हम लोग इसका पहले एक्यूमुलेशन जोन देखते हैं। एक्यूमुलेशन जोन के बाद हम लोग इसके आगे के पॉइंट्स देख पाएंगे दोस्तों। तो अगर हम लोग बात करें, ये वाला जो एक है 2200 वाला जो हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पे अभी शेयर वर्कआउट कर रहा है। उसके बाद हम लोग इसके रेजिस्टेंस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो ये एक स्ट्रॉन्ग 2300 वाला रेजिस्टेंस पॉइंट हम लोग बता रहे हैं। ये हम लोग ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि 5 डेज में हम लोग लगातार ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी कर चुके हैं, तो 2300 तक तो पहुंचाएंगे इसे। लेकिन 2300 के बाद दोस्तों यहाँ पे 2400 का आप लोग ध्यान रखिए, 2300 से 2400 का बहुत एक बढ़िया हमारे पास एक्यूमुलेशन जोन है। बट इस एक्यूमुलेशन जोन के साथ ये ध्यान रखिए कि अगर ये 2300 का अपना इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर रीटेस्ट करने के बाद, तोड़ने के बाद यहाँ पे अगर 2300 को फिल ब्रेक करता है, तो आप इसमें अपना स्टॉप लॉस माइंड में लेके चलिए दोस्तों। स्टॉप लॉस को कभी भी छोड़ते हुए नहीं जाना, स्टॉप लॉस को हमेशा याद रखना है, स्टॉप लॉस आपका दोस्त है, स्टॉप लॉस आपका दोस्त है। तो उसको दोस्त की तरह ट्रीट कीजिए, उसको टेंशन, उसको परेशानी और उसको लॉस की तरह बिल्कुल भी मत देखिए। क्योंकि अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के हटाते हैं तो हो सकता है वो जो डीप फॉल है उससे आप लोग बच सके। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बढ़िया से कमेंट कीजिए, जिससे कि हम लोग और मोटिवेट होके चीजों को और बेहतर आपके सामने लेके आ सके।
दोस्तों यहाँ पे मैं अपना वीडियो खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।